हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास गूगल क्रोम में ये एरर आ रहा है तो आप इस एरर को बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हैं आप अपने पीसी में से। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग को ओपन कर देना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन, आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके। उसके बाद आप इसको क्लोज़ कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स को क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आपको जो है स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर का ऑप्शन है, आप इसको डबल क्लिक कर ये ऑप्शन को एक्सटेंड कीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर को आपको सेलेक्ट कर इसके ड्राइवर को अपडेट कर देना है। राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इसको क्लोज़ कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स, तो ये प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए हैं। उसके बाद आपको इसको क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर चेंज अडाप्टर सेटिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर में आपको इस तरीके से टाइप करना है, अल्टरनेट डीएनएस सर्वर में आपको इस तरीके से टाइप करना है। उसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आप यहाँ पर ऑल सेटिंग्स को क्लोज़ कीजिए। उसके बाद आपको जो है गूगल क्रोम को ओपन कर देना है, फिर आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको इन तीनों बॉक्स में चेक करना है और टाइम रेंज आपको यहाँ पर ऑल टाइम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों, आपको जो है गूगल क्रोम को क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कमेंट प्रॉम्प्ट, राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से कमेंट टाइप कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद आप कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज़ कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।